हम अनेक जगहों से आते हैं अनेक पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारे सारे बोल चाल खान पान रहन सहन में वो अलग अलग बातें होती है और होना कोई ख़राब बात नहीं वो तो विविधता है विविधता सृष्टि का श्रृंगार है उसका उत्सव मनाना चाहिए स्वीकार करना चाहिए लेकिन विविधता भरे समूह में रहते समय एक दूसरे की विविधताओं को स्वीकार करने के बाद भेद चला जाना चाहिए जैसे हम जहां रहते वहां की भाषा आनी चाहिए आज प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है इसलिए हम यहां करते हैं एक लेसन है मैं कहीं भी जाते हैं तो वहां के जनजीवन में हमको एकत्रित होना चाहिए समरस होना चाहिए हमारा अपना हमारी अपनी भाषा रहती है हमारी अपनी पूजा रहती है लेकिन जिनमें हम हैं उनकी भी भाषा है उनकी भी पूजा है उनकी भी खान पान रहन सहन रीति रिवाज है उसके साथ समरस होना चाहिए अपनेपन केवल लगने की बात नहीं है अपनेपन आचरण करने की बात है तो एक बार ऐसे हुआ अपने समाज में जात पात का बहुत भेद है सहभोजन का कार्यक्रम था और भोजन शुरू हुआ चैलेंज दिया था कि आप ऊंची जाति के लोग हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते बोला तो भोजन बनाओ हम तैयार तो हैं भोजन बना बैठे भोजन दिया गया देखते हैं तो वो मांस है लेकिन अब उठेंगे तो लोग कहेंगे जो तो हम कह नहीं रहते आपको हमारा नहीं चलता तो कुछ नहीं बेटर है सब शाकाहारी लोग थे लेकिन उन्होंने खाना शुरू किया उस पर से एक जवान तेज कार्यकर्ता विरोध में भी तेज होता है उसने कहा देखो अभी हमने इसमें गाय का मांस डाला है आपके बयालीस पीढ़ी नरक में जाएगी तो उसमें जो भोजन करने वालों के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि देखो सदियों से आप और हम लोग अलग रहे अब आपके जुड़ने के लिए अगर बयालीस पीढ़ी हमारी नरक में जाती है तो हमको मंजूर है वो तो गोमांस नहीं था उधर के बुजुर्ग खड़े हो गए उन्होंने डाटा जवानों को कहा कि वो मांस तो है लेकिन दूसरा भी बना वो हम लाते हैं ये परीक्षा आपकी इन लोगों ने ली लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए तो अब ये बातें हैं अब हम बात करते अपनेपन की लेकिन अपनेपन ये आचरण की बात है और अपनेपन में अपनों का जो है वो पहले स्वीकार करना उसमें सुधार की भी आवश्यकता होती है सबकी सब, सब बातें ठीक रहती है ऐसा नहीं सबकी सब, सब बातें काला सुसंगत रहती है ऐसा भी नहीं और सबकी सब, सब बातें अपने को पचीगी ऐसा नहीं मैं अगर कहीं पर उत्तर भारत में रहता हूं तो वहां तीखा बहुत कम खाते हैं उत्तर नागपुर में जाके मुझे भोजन करना पड़ा तो खा तो लूँगा मैं लेकिन बाद में तीन दिन गोली लेनी पड़ेगी मुझे